नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 2000 से 2500 रुपए के अंदर एक ऐसा ड्यूल बैंड गेमिंग वाईफाई के बारे में बताओ जो कि आपको स्टेबल 1 Gbps तक का स्पीड देगा। तो चलिए, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टेंड कंपनी की तरफ से AC10 स्मार्ट ड्यूल बैंड गीगाबिट वाईफाई राउटर का अनबॉक्सिंग। वैसे ये जो अनबॉक्सिंग वीडियो ये प्रोवाइड किया है रितम शाह नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे इसका अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आपको तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप में से बहुत लोगों के घर में ऑलरेडी वाईफाई राउटर है। सोचिए कि आपके घर में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 500 Mbps का है, आप कोई दूसरे कंपनी का वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हो। देखिए, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब अगर मैं मेरे वाईफाई कनेक्शन को बस पास के रूम में रखूं, उस रूम से इस रूम के बीच में एक बड़ा सा दीवार है, और अगर मैं उसे लैपटॉप से कनेक्ट करने जाऊं तो गारंटीड 5 टावर में से मुझे सिर्फ 3 टावर मिलेगा, और अगर मैं और थोड़ा सा दूर जाऊं तो 5 टावर में से बस 2 या फिर 1 टावर मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम तो आप में से बहुत लोगों के साथ ही होता है। और ये बात तो मैं छोड़ ही देता हूं कि अगर आपके घर में टोटल 3 फ्लोर है, अगर आप मिडिल फ्लोर में रहते हो, मतलब मिडिल फ्लोर में आपने वो वाईफाई राउटर रखा है, आपका फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर दोनों एक साथ कवर करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी दूसरे वाईफाई राउटर की मदद से नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपको ये जो टेंडा AC10 के बारे में बता रहा हूं, इसका मेन खासियत है कि इसका वाईफाई रेंज और इसका वाईफाई स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं टेंडा AC10 का अनबॉक्सिंग। वैसे इस प्रोडक्ट में मुझे पहला जो चीज सबसे बढ़िया लगा वो इसका डिजाइन और इसका प्राइस। अगर आप अमेज़न पे सर्च करेंगे कि ड्यूल बैंड गीगाबिट राउटर, तो सबसे पहला जो ऑप्शन वो आएगा इस टेंडा के इस मॉडल का। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपनी है, लेकिन सभी के सभी का प्राइस इससे बहुत ही ज्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि ये मार्केट का सबसे रिलायबल और चीपेस्ट ड्यूल बैंड वाईफाई गेमिंग राउटर है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर AC10, और ये डिवाइस विंडोज 7, 8, 10, मैक सभी में सपोर्ट करेगा। अगर आप गेमिंग करते, मतलब अगर आप 4K क्वालिटी में ऑनलाइन गेमिंग करते या फिर 4K क्वालिटी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस वाईफाई राउटर की मदद से। लेकिन शर्त है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रहना पड़ेगा। वैसे अगर मैं इसके पैकेजिंग के बारे में बात करूं, तो पैकेजिंग तो इसका बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें पहले मिलता है यूजर मैनुअल, उसके बाद पावर एडाप्टर, और जो सबसे मेन चीज वो है वाईफाई राउटर, और चौथा आप देख सकते हैं नीचे एक ईथरनेट केबल दिया हुआ है जिसके जरिए आप पहला सेटअप कर सकते हैं। वैसे अगर इसके फॉर्म फैक्टर की बारे में बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा है, डिजाइन के मामले में मैं इसे 5 out of 5 देना चाहूंगा। इस वाईफाई राउटर में आपको 2.4 और 5 GHz दोनों ही ब्रांड सपोर्टेड होगा। 5 GHz तभी काम आता है जब आप वाईफाई के थोड़ा सा नजदीक रहते हैं, मतलब आपको कम रेंज लेकिन सबसे बेहतर स्पीड मिलेगा, मतलब लगभग 800 Mbps से भी ज्यादा स्पीड मिलेगा। लेकिन अगर आप आपके वाईफाई कनेक्शन से बहुत दूर बैठे हो, तो आपको 2.4 GHz यूज करना पड़ेगा, और 2.4 GHz की मदद से आपका जो वाईफाई रेंज बहुत ज्यादा बढ़ता है लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब इसमें आप एक ही साथ 2.4 और 5 GHz दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें आप दोनों बैंड के लिए अलग अलग पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। वैसे इसके पीछे आप देख सकते हो, इसमें आपको वाईफाई रीसेट बटन, एक वन केबल, 3 LAN केबल आपको मिलेगा। और वैसे इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है, और जो सबसे मेन चीज, इसका एक स्पेशल ऐप आता है, और अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल करोगे तो अगर आप दूसरे देश में भी रहते हो तो उधर से भी आप इस ऐप की मदद से आपके वाईफाई को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब वाईफाई को ऑन ऑफ ऐसा कर सकते हो। और इस ऐप के जरिए आप टाइम टू टाइम आपके वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपके वाईफाई के साथ कितने और कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और इसके जरिए आप 2.4 या फिर 5 GHz दोनों ही एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। तो यही था टेंडा AC10 का अनबॉक्सिंग। वैसे इस वीडियो के आखिर में मैं एकदम फिर से कहना चाहूंगा, टेंडा कंपनी, मतलब आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अमेज़न पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, सभी जगह पर आपको यही चीज़ मिलेगा कि अगर आपको सबसे बेहतर स्टेबल वाईफाई कनेक्शन चाहिए और सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तक चाहिए, तो आपको टेंडा कंपनी का वाईफाई राउटर लेना चाहिए। और इसके अंदर आपको क्वालकॉम कंपनी का वाईफाई चिप भी मिलेगा। और आपको तो बताइए, क्वालकॉम कंपनी का वाईफाई चिप माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नेटवर्क चिप होता है। और वैसे अभी इस प्रोडक्ट का प्राइस है 2600 रुपये के आसपास। अगर आप अभी खरीदना चाहते हो तो मैंने नीचे का लिंक दिया है, उससे खरीद सकते हो, या फिर अगले महीने अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल आने वाला है, उसमें ये सारे प्रोडक्ट का प्राइस और भी 200 या 300 रुपए कम जरूर होगा, तो उस इवेंट में भी आप जरूर खरीद सकते हो। तो आज का वीडियो इतना, उम्मीद है आज के अनबॉक्सिंग वीडियो को पसंद आया होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कोई गेमिंग वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हो, अगर आप कोई गेमिंग वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हो तो वो किस ब्रांड का है, ये चीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।